मौसम का मिजाज बदलते ही हर घर बीमारी ने न्योता दे दिया। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। मौसमी बीमारियों में डेंगू, वायरल फीवर, डायरिया, पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसमें डेंगू चिंता का विषय बना हुआ है। अस्पताल में हर रोज बढ़ती मरीजों की भीड़ के सामने अस्पताल प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं बौनी ही साबित हो रही है। उपचार पर्ची बनवाने में ही लंबी कतार में खड़े मरीज परेशान होते रहते हैं। ओपीडी की हालत भी दयनीय है। बैठने तक की जगह नहीं है। जहां मरीज बैठते हैं वहां नीचे कुत्ते आराम फरमाते हैं। इन कुत्तों का भी डर मरीज और उनके परिजनों को सताता रहता है। ओपीडी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। नीचे जमीन पर ही मरीजों को लेटाकर डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। गंभीर मरीजों को वार्ड बॉय वार्ड में छोड़ने तक को तैयार नहीं है। ओपीडी में मरीजों की लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उपचार के लिए ड्यूटी पर सिर्फ दो डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स भी अभी स्टूडेंट ही है। कोई भी सीनियर डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं रहता। अब रुख करते हैं वार्ड्स की तरफ, जहां मरीज भर्ती है। 450 पलंग वाले इस अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक होने से मरीजों को वार्ड्स में नीचे ही सुला दिया गया, जो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ही है। वार्ड्स में डॉक्टर्स के नहीं पहुंचने की समस्या हर मरीज की है। इस जिला अस्पताल में वार्ड्स में लगे पंखे भी ऑक्सीजन पर हैं, जो चलते ही नहीं हैं। पंखे खराब होने से मरीज और परिजन हाथ पंखे लाकर ही समय व्यतीत कर रहे हैं। शहर में इन दिनों डेंगू का डंका शबाब पर है। बावजूद इसके अस्पताल में ही हर तरफ गंदगी फैली पड़ी है। नालियां सड़ रही है, जिसकी बदबू से हर कोई दिन भर नाक सुकोड़ता रहता है। गंदगी से हर तरफ मच्छरों ने हमला बोल रखा है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार मूक दर्शक ही बने हुए हैं। मरीजों के परिजनों ने बताया, फरमूद किसको लेके आए यहाँ पे? अपने जमाई साहब। कितने दिन से एडमिट है और कैसी बदबू आ रही है, किस तरीके की बदबू आ रही है? देखने उठने का मन नहीं हो रहा है। कल रात से परेशान, बहुत ज्यादा तकलीफ। वार्डो में कैसी स्थिति हो रही है? यहाँ सब व्यवस्थित कोई काम ही नहीं है। अंदर भी बेड ही नहीं मिल रहा है। लोग नीचे पड़े हुए बुरी तरह से। कोई पेशेंट के साथ एक बैठने भी तैयार नहीं है। जगह ही नहीं है वहाँ का। लोग ऊपर चढ़ के निकल रहे हैं। जो सुविधा होना चाहिए वो तो कहीं तक है ही नहीं। लोग सफाई के बारे में क्या कहना चाहिए? तो यहाँ पर बिल्कुल गंदगी, भयंकर बदबूदार काम है। कहीं तक कोई दवाई नहीं छीट रहे, मच्छर जमाने भर से हो रहे हैं। कहीं बेड उठ नहीं सकते। सफाई अभियान बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। जैन समाज के पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं। धर्म आराधना के चल रहे दौर में मंगलवार को महापर्व के पांचवें दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन सभी जिनालयों में मनाया गया। त्रिपोलिया गेट स्थित फूल कुमारबाई उपाश्रय पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें खतरगच संघ के समाज जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14 सपना जी की बोली लगाई गई। वहीं बाहर से पधारे हुए अतिथियों ने महावीर जन्म वाचन कर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव केसरिया रंग के छापर लगाकर मनाया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म होते ही समाज जनों में उल्लास छा गया। जन्म के अवसर पर समाज जन झूम उठे। परंपरा अनुसार सभी ने नारियल बधार कर प्रसादी वितरित की और बधाइयां दी। बाद में लड्डू की प्रभावना दी गई। गंदगी में तो शहर नंबर वन बनता दिख रहा है, वहीं सड़क और गड्ढों ने भी स्मार्ट सिटी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मोचीपुरा क्षेत्र में लंबे समय से चैम्बर का ये गड्ढा हादसों का कारण बना हुआ है। इस गड्ढे में हादसे होने के बाद भी अब तक निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस क्षेत्र में गंदगी का आलम भी बीमारी का घर बना हुआ है। नालियों की गंदगी सड़कों पर आ गई, जो मलेरिया विभाग की जागरूकता पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस क्षेत्र की ध्वस्त होती व्यवस्था पर नागरिकों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है, जो अब कभी भी चक्का जाम करने की चेतावनी दे चुके हैं। इस क्षेत्र के रहवासियों ने बताया, यहाँ समस्या है, परेशानी है यहाँ एक साल से। यहाँ जो है यहाँ पे चैम्बर बनाया था, चैम्बर 66 बना नहीं है। और यहाँ नगर पालिका द्वारा काम खड्डा खोदते रहते हैं, आते रहते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे कई नुकसान हुआ लोगों का, यहाँ एक ट्राली आके गिर गई थी सीमेंट की, एक आदमी अंदर गिर गया उसे हाथों हाथ बचा लिया, अगर कोई नहीं होता तो इतना ऊंटा गड्ढा आदमी पूरा तब चला जाए, और वो उसके ऊपर नगर पालिका ऐसे सुधारती नहीं है और यहाँ पर आड़े दिन केस होते रहते हैं। हम जो है यहाँ नगर पालिका अगर नहीं करेगी इसकी जवाबदारी, अगर कोई मर जाएगा कर जाएगा कुछ यहाँ घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? यहाँ रोड जाम होता, परेशानी आती है, तो ये गवर्नमेंट आके इसका निकाल करे। यहाँ पे आपने किसी अधिकारी को सूचना वगैरह दी है? सर हमने CM हेल्पलाइन तक तो कंप्लेंट कर रखी है, दो तीन बार, एक बार भी नहीं, दो तीन बार, और कोई सुनवाई नहीं आती। माँ का अधिकारी आके यूँ कहता है कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, मेरे से आके बोला माँ के अधिकारी ने कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, और हम कंप्लेंट ले लें मतलब हम कंप्लेंट करेंगे हम वापस ले लें, तो ये मर जाएगा इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? ये आदमी या कोई गिर गया कर गया, कोई बच्चा मर गया, तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते भाई इसका जो निकाल हो इसको बनाए, इसको सही करा जाए, ये सही साठ बनाओ, इसको तोड़ो, जो भी इसका निकाले करे, और इसका पानी का निकास निकाले। अब मेन क्या है, ये दुकान है, इसके नीचे चेम्बर है, तो वो दुकान वो तोड़ते नहीं है, वो चेम्बर देखते नहीं है, वो ये गड्ढा जान नहीं करने का, हम गड्ढा कर करके देखते रहते हैं। आप यहाँ आके देखो यहाँ पे कितना गंदा है, देखो आप कैमरा घुमा वहाँ पे कितना गंदा हो रहा है, यहाँ पे बीमारी अलग हो रही है, बीमारी हो रही है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया की परेशानी है, बीमारी है, और उसके बाद ये कोई गवर्नमेंट ने कोई भी नहीं सुन रहा। मोहम्मद इरफान भाई, ये कौन सा इलाका कहलाता है, कहाँ से समझ रहा है? मेन चौराया। क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है कि यहाँ पर खाली सिल्ला ढक ढक के बार बार चले जाते हैं, और नहीं देखे सिल्ला तो कोई भी मोटरसाइकिल निकला कोई भी ट्रैक्टर निकल जाता है टूट के, वो बेचारा वही फंस जाता है, खाली सिल्ला ढक ढक के चले जाते हैं यहाँ। इसके अलावा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये चार बार करा, चार बार ही सिल्ला ढकी और चार बार ही सिल्ला टूट गई है। यहाँ कल भी एक ट्रैक्टर परसों दिन में फंस गया, उसके पहले जो बस निकली वो फंस गई, यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल आ गिर गया, परसों भी गिर गया यहाँ पर, और यहाँ कोई ट्रैफिक तो आया दिन जाम हो जाता है, 24 घंटे में 10 बार जाम हो जाता है, कोई दुकान खोल नहीं पा रही इसके चक्कर में। कल पूरी नालियों का पानी पूरा मौजू पूरा चौराहे पे था, नालियों का पानी सब नमाज पढ़ने जा रहा है, सब गंदौड़ा हो रहा है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल 5 बजे तक हुआ गड्ढा, तो यहाँ चक्का जाम करेंगे सारे दुकानदार। राउटी क्षेत्र के मौलवा में चल रहे एंट लेन के लिए बिजली लाइन की शिफ्टिंग के दौरान करंट लगने से हादसा हो गया। बिजली शिफ्टिंग में लगे पिपलौदा के ग्राम पिंडवाड़ा निवासी सुरेश मोगिया को करंट लग गया। कर्मचारी सुरेश मोगिया बिजली कंपनी का कर्मचारी था, जिसे ठेकेदार जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इससे पहले ही घायल ने रास्ते में दम तोड़ दिया।